जी चाहे वो लिखे। ओहो हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। कभी सुना है ये शब्द काउंसलर? पहले पता है, कई सालों तक मुझे खुद को पता नहीं था कि एक काउंसलर क्या होता है, क्या काम करता है। आज मैं खुद एक काउंसलर हूँ और पिछले 15 सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ। जैसे हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे शरीर का चेकअप करते हैं, वैसे ही काउंसलर्स हमारे मन और भावनाओं का चेकअप करता है। अगर हम टूट जाते हैं तो हमें हौसला देता है, अगर हम नाराज हो जाते हैं तो हमें खुश करता है। है ना, बहुत ही खूबसूरत काम एक काउंसलर का। पिछले 15 सालों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों से बात की होगी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चे। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? I can't wait to see you। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी, आपकी फेवरेट काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक सीक्रेट। किसके बारे में? मेरे बारे में। जब मैं छोटी थी तब के बारे में सीक्रेट। किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में है। तो जब मैं छोटी थी मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, खास करके मैथ्स, गणित। जब भी वो नंबर्स मेरे सामने आते या मैथ्स की टेक्स्ट बुक मेरे सामने आती, मेरे तो छक्के छूट जाते, बुखार आ जाता, पेट में गुड़ 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 होने लगता और ऐसा लगता कि भगवान मुझे अभी चक्कर आ जाएंगे। टीचर जितनी भी बार समझाए, यहाँ इस मोटे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं था। 6 नंबर 9 लगता था, 10 नंबर उल्टा लगता था। माइनस करे, ऐड करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, क्या करे। ऐसा लगता था कि यार ये गणित अपने प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व नहीं कर सकता खुद, या तो कोई काउंसलर ढूंढ ले, मुझे क्यों सॉल्व करने पड़ते हैं इसके सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन गणित मुझे आज भी नहीं जमता, बिल्कुल भी नहीं। कोई मुझे अगर पूछ ले कि 9 + 5 + 20 कितना होता है तो मैं चकरा जाऊंगी, मुझे कैलकुलेटर चाहिए। और आपको कोई टेबल्स पूछता है 2, 3, 5, 7 कितना होता है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। भगवान का नाम ले लेके और 4-5 नारियल फोड़ फोड़ के मैं पास हुई हूँ मेरे गणित के एग्जाम्स में। जब मुझे कुछ नहीं सूझता था ना, तब मुझे ये विचार आता था मन में कि यार मैं एग्जाम में पास कैसे होंगी, काश मेरे आसपास कोई स्मार्ट सा बच्चा बैठ जाए जो मुझे थोड़ी कॉपी करने में मदद कर दे या हेल्प कर दे। ऐसे स्मार्ट बच्चे रहते तो बहुत थे, लेकिन कॉपी करने में मैं हमेशा पकड़ी जाती। और मुझे मार्क्स आते थे 50 में से 5, 100 में से 20, हमेशा फेल। मेरे माँ बाप मुझसे परेशान, मेरे टीचर्स मुझसे परेशान, मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे परेशान कि काव्यल तुझे कितनी बार सिखाया, अब तक क्यों समझ में नहीं आता। नहीं आता समझ में, क्या करूं, मुश्किल है, मजबूरी है। और फिर मुझे मैथ्स के नाम से ही इतना डर लगने लगता था कि मैथ्स पे ध्यान देने के अलावा मैं ये सोचती थी कि कॉपी करने की या चीटिंग करने की ऐसी कौन सी तरकीबें मुझे मिल जाएं जहां मैं पकड़ी ना जाऊं। पेन मांग।
वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। एक बार किया, दो बार किया, दोनों बार पकड़ी गई और फिर इतनी शर्म आई, इतना बुरा लगा कि उसके बाद कॉपी करने का नाम ही नहीं लिया। कान पकड़ लिए, थप्पड़ भी बहुत पड़े घर से, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हंसे मुझ पे, मेरे टीचर्स ने भी मुझे डांट दिया, मेरा नाम खराब हो गया क्लास में। मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, बस मुझे मार्क्स अच्छे लाने थे, मुझे सबको ये दिखाना था कि मैं भी एक स्मार्ट स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैंने तरीका गलत अपनाया। क्या मेरे जैसे आप भी कोई है जिनको मैथ्स में, साइंस में या कोई और सब्जेक्ट में ऐसे तकलीफ होती है, तो ऐसा लगता है कि यार शॉर्टकट मार लेना, कुछ कर ले, कॉपी कर ले और पास हो जाए या अच्छे नंबर मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, मेरे जैसे आप भी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जब सबका गुस्सा मेरे ऊपर से उतर गया ना, तो सब लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा चीटिंग मत करो, ऐसे कॉपी मत करो, अपनी मेहनत से करो, जितना भी करो लेकिन अपनी मेहनत से करो, सच्चाई से करो। ये फंडा ना मुझे तभी समझ में नहीं आता था कि क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स ही तो लाने हैं ना, मैं ऐसे कर लूं या मैं ऐसे कर लूं, इसमें मुझे कितनी ज्यादा मेहनत पड़ती है, तकलीफ भी, लेकिन तभी समझ में नहीं आई। लेकिन फिर मैंने एक कहानी सुनी और उस कहानी से ये चीटिंग ना करने का फंडा बिल्कुल दिमाग में घुस गया। ऐसा घुसा कि उस दिन से आज तक मैंने कभी भी किसी भी चीज में ना चीटिंग की और ना शॉर्टकट मारा। सुनेंगे आप भी वो कहानी। तो एक बार एक लड़का था, उसका नाम था राजू, और ये राजू ना बहुत स्मार्ट था, तेज था, हर एक चीज अच्छे से करता था, स्कूल में भी चैंपियन, घर में भी चैंपियन। और एक बार उसे जाना था खेलने क्रिकेट, मस्त में या ऐसा टोपी वोपी चढ़ा के नीचे उतरने की ही तैयारी कर रहा था। और तब होने लगी बारिश, समर के टाइम पे कभी भी बिन बताई बारिश, क्यों, अभी तो उसके खेलने जाने का टाइम था। तो उसको आया भगवान पे बड़ा गुस्सा और उसने नीचे से ऊपर देख के बोला, अबे ओ भगवान, तुमको समझ में नहीं आता क्या कि टेम्परेचर को, वेदर को, ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल करना रहता है, किसने बना दिया तुमको भगवान। अब भगवान है ना, बहुत हंसने लगे ऊपर से कि ये कौन है छोटू सा जो मुझे इतनी डांट दे रहा है। तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए राजू के सामने और राजू को पूछा, मैं भगवान हूँ, क्या हुआ बताओ, मुझसे डायरेक्ट बात करो। तो राजू ने बोला, हैं, आप भगवान हैं सच में? अच्छा ठीक है, अगर आप भगवान हैं तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये गड़बड़ियां क्यों करते हैं, सिंपल क्यों नहीं रख सकते, समर के टाइम पे धूप चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि लोग गर्मी से मर जाएं, विंटर के टाइम पे सर्दी चाहिए लेकिन इतनी बर्फ भी नहीं कि लोग सर्दी से मर जाएं, रेन के टाइम पे बारिश चाहिए लेकिन फिर भी इतनी भी नहीं कि हमारे सारे पेड़ पौधे मर जाए, हमारे जानवर सारे बीमार हो जाए, घर से कोई बाहर निकल ना पाए, आप थोड़ा बैलेंस करके काम कीजिए ना प्लीज। तो भगवान ने बोला कि तुझे बड़ी समझ है, ये ले, ये वेदर का रिमोट कंट्रोल, आज से तू ही संभाल, मैं सिर्फ देखता हूँ। राजू ने बोला, क्या सच में, मैं करके बताऊं सब? और भगवान ने बोला, हाँ तथास्तु, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। तो राजू ने ना एकदम स्मार्ट सेटिंग करी, समर के टाइम पे गर्मी की लेकिन मीडियम, विंटर के टाइम पे सर्दी की लेकिन मीडियम, रेन के टाइम पे बारिश की लेकिन सिर्फ मजा आए उतनी ही। और उसने बोला, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस बार जो मैंने टेम्परेचर सेट किया है, जो मैंने कंट्रोल किया है ना, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि पौधों पे क्या असर हो रहा है, चमकदार फर्स्ट क्लास पौधे निकलेंगे, देख लेना आप। तो उसने एक बड़े से गार्डन में कॉर्न यानी मकाई के बहुत सारे दाने डाले और देखा, देखना मेरे परफेक्ट कंट्रोल से ये मकाई कितनी अच्छी उगेगी। और पूरा साल उस मकाई को देखा और अब ये मकाई आई और पूरा जंगल इतना खूबसूरत मकाई के पौधों से उग रहा था, ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। तो राजू ने ऐसे भगवान को ऐसे कोनी मार के बोला, देखा
मेरी मकाई का कमाल और मेरे टेम्परेचर कंट्रोल का कमाल, भगवान का काम कोई भी कर सकता है, मैंने भी कर लिया। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, अब मकाई खा के देखते हैं। तो राजू ने तोड़ी एक मकाई, उसमें से छिलटे निकाले और मकाई को सेकने के लिए गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी हो गया। लेकिन जब उसने छिलटे निकाले ना, तो मकाई में दाने ही नहीं थे, 3-4 दाने थे पूरे मकाई पे। और राजू हो गया शॉक्ड, अरे ये क्या हो गया, बाहर से इतनी बढ़िया मकाई दिख रही है और अंदर से कुछ नहीं, खाली, ये कैसी चीटिंग है। अब भगवान बैठ के हंसने लगे कि देखा बेटा, जो मैं कर रहा था ना वो सही था। लेकिन राजू ने बोला लेकिन ये हुआ कैसे, ये तो समझाओ। तब भगवान ने बोला कि देखो बेटा, जब मैं बहुत तेज धूप देता हूं ना जमीन को, तब इस मकाई को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है धूप को बर्दाश्त करने के लिए। जब मैं बहुत बारिश देता हूं तो ये मकाई को फिर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है बारिश को बर्दाश्त करने के लिए। जब मैं बहुत सारी हवाएं देता हूं तो ये मकाई को अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं ताकि वो हवा के साथ उड़ नहीं जाए। तो जितने परिश्रम मैं देता हूं या जितनी स्ट्रगल मैं देता हूं, उस स्ट्रगल की वजह से ये मकाई की जड़ें जमीन में और गाढ़ी गाढ़ी नीचे होती जाती है, और फिर जितनी नीचे जाती है उतना ही जमीन से पोषण खींच के लाती है और फिर बनती है बढ़िया क्वालिटी की मकाई। लेकिन तुमने तो बहुत आसान कर दिया सब ये मकाई के लिए, इस मकाई को ना स्ट्रगल करना पड़ा, ना तकलीफ उठानी पड़ी, ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए उसका परिणाम भी ऐसा ही है। है ना एक खूबसूरत सी सीखने की बात इसमें से। हमारी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी एग्जाम्स आते हैं, हम उसमें जो परिश्रम करते हैं, इस परिश्रम की वजह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी याद शक्ति, हमारी किसी से बात करने की क्वालिटी, ये सब उन तकलीफों में से ही तो आती है। अगर हमारे आसपास सब कुछ सिंपल हो, स्कूल में ना पढ़ाई करने का प्रेशर, घर में ना काम करने का प्रेशर, बाहर ना एक तरीके से रहने का प्रेशर, तो हम शायद इतने स्ट्रॉन्ग बने ही नहीं, हम भी शायद ऐसे ही मीडियम मीडियम बन जाएंगे। थोड़ा स्ट्रगल जरूरी है हम सबको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और हमको ये नहीं लगना चाहिए कि कॉपी करके भी मुझे 100 में से 80 मार्क्स आ गए तो या वाह 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 मैं हीरो हीरा लाल। अगर तुमने मेहनत करके 100 में से 50 भी लाए हैं ना, इसका मतलब ये है कि तुमने सच में कुछ सीखा है। कॉपी करके तो सब लोग कुछ ना कुछ ला सकते हैं। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर आप बीमार हैं और अस्पताल जा रहे हैं और अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये सारे डॉक्टर्स कॉपी करके पास हुए हैं, एक्चुअली उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपका ऑपरेशन होना है, लेकिन जब आप ऑपरेशन टेबल पे बैठते हैं और सुनते हैं इन डॉक्टर्स को, तो हर एक डॉक्टर दूसरे को पूछता है अरे यार इसमें क्या करना है, तुझे पता है क्या? और डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगा तुझे पता होगा, ये तो चैप्टर मैंने ओमिट कर दिया था एग्जाम में, पढ़ा ही नहीं था, बाजू वाले से कॉपी कर लिया था, मुझे नहीं पता कि इसकी पेट की ऑपरेशन कैसे करनी है। तो आपकी क्या हालत होगी? वही हालत हम सब की हो जाएगी अगर हम अपनी मेहनत नहीं लगा रहे हैं जगह पे। इसलिए हमको कॉपी करना साइड पे छोड़ के मेहनत करना अपनाना होगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मैंने जिंदगी के तजुर्बे से सीखी है, और वो ये है कि हम जिस प्रेशर में आके चीटिंग करते हैं या कॉपी करते हैं या सच्चाई से काम नहीं करते, वो हमारे 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, उन मार्क्स का या उन अंकों का हमारी जिंदगी पे ज्यादा लंबे टाइम तक असर नहीं रहेगा। आपको 10वीं में कम मार्क्स आए या ज्यादा मार्क्स आए, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे। जिंदगी आपको बहुत 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 मौके देती है। अगर आप परिश्रम करने के लिए तैयार हैं,
थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, थोड़ी स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए तैयार है, काम करने के लिए उत्सुक है, एंथुजियास्टिक है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब मुझे देखिए, मुझे कौन से मार्क्स आते थे, कोई मेरे से कोई होप्स भी नहीं रखता था कि ये पास होके कुछ कर दिखाएगी, लेकिन आज मैं हूं ना काउंसिलर, खुशियों की डॉक्टर। वैसे ही आप भी कुछ भी बन सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। ये आपके जो मार्क्स हैं 10वीं के 12वीं के, ये सिर्फ आपको अगले कॉलेज या अगले डेस्टिनेशन या अगले सर्टिफिकेट देने में मदद करेंगे। और अगर आपने मेहनत की है तो कम मार्क्स से डर के भागेगा भी मत, कुछ ऊटपटांग चीजें मत करिएगा कि मम्मी पापा से डर के भाग गए, या पढ़ाई में मार्क्स कम आए तो डर के पढ़ाई छोड़ दी या कुछ और कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ मार्क्स हैं और ये सिर्फ आपको अगले पड़ाव तक लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिंदगी खुली बाहों से आपका इंतजार कर रही है। आप जो चाहे बन सकते हैं और टॉप ऑफ द टॉप मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन सकते हैं। तो हम लोग कौन सी वाली मकई बनेंगे, या तो बाहर से अच्छी दिखे और अंदर टाई टाई फिश, या तो अंदर से पूरे दाने भरी स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल फ्लेवरफुल मकई, वो आपको डिसाइड करना है। मैंने तो बहुत मुश्किल से सीखा है कॉपी नहीं करना, डांट खा के, मार खा के, कान पकड़ के, क्लासरूम से बाहर निकलवा के। क्या आप भी मेरी तरह मुश्किल से सीखेंगे, या आज इस स्टोरी को सुन के अपना डिसीजन बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। मैं आपको फिर मिलूंगी एक और एपिसोड में स्कूल टीवी पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट कॉपी। See you soon. This is Kavya Siddhani. Ta-da!